चुनाव की रणभेरी होते ही प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बना ली है। उसी को लेकर कोसी पुलिस एवं स्पेशल फोर्स के सैकड़ों जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए थाना कोसी पर संपन्न हुआ। चुनावी बिगुल बजते ही जहां राजनीतिक पार्टियां सजग हो जाती हैं, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी तैनात हो जाती है। चुनाव शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त कराने के लिए पुलिस हर प्रकार के हथकंडे अपनाती है। कोसी थाना प्रभारी संजय त्यागी के नेतृत्व में बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें थाना पुलिस स्पेशल फोर्स के सैकड़ों जवान नगर के थाना रोड, भातू कॉलोनी, भगवती रोड, गांगवान मोहल्ला, तालाब शाही से होते हुए घंटाघर, पुराना जीटी रोड, निकासा में भ्रमण करते हुए थाना पहुंचा, जिसे देखकर एक बार तो नगर में सन्नाटा छा गया और लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। सैकड़ों पुलिस कर्मियों को इस तरह हथियारों से लैस अचानक बाजार एवं गलियों में घूमता हुआ देख बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये चुनाव की सुरक्षा के अंतर्गत किए जाने वाला फ्लैग मार्च था। आपको बता दें कि कोसी अति संवेदनशील लिस्ट में शामिल है और कोसी दो प्रदेशों का बॉर्डर है, जहां प्रशासन की पैनी नजर रहती है। जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार ने यह बताया। आज थाना कोसी कला के कस्बा कोसी कला क्षेत्र के जो भीड़भाड़ वाले स्थान है, जो मिश्रित आबादी वाले स्थान है एवं कानून और व्यवस्था की दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस बल के साथ एवं सीआरपीएफ के जवानों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें करीब 2 से 3 किलोमीटर का जो पूरा कस्बा का इलाका है उसमें फ्लैग मार्च किया गया। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई और सभी को ये हिदायत दी गई कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का अधिकतम सहयोग करें। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 News को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 News, Twitter @G9 News, फॉलो अस ऑन Instagram G9 News, विजिट अस आवर वेबसाइट www.g9.in।